हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी या कोई ना कोई हुनर छुपा होता है, लेकिन यह हुनर तभी बाहर निकल के आता है जब सही मार्गदर्शन मिलता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले 19 साल के बालक अंकित जाट ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है जिससे ना सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा गाँव और ज़िला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दरअसल खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 68 किलोमीटर दूर छोटे से गांव को गावा के रहने वाले अंकित पिता देवकरण जाट ने राज्य स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता में इंदौर संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने हुनर और कड़ी मेहनत के दम पर कांस्य पदक जीता है। इस सफलता के साथ ही अंकित ने नेशनल में भी जगह बना ली है। नवम्बर में होने वाली नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। लोकल 18 से बातचीत में अंकित जाट ने बताया कि खंडवा में 22 से 25 अगस्त तक अंडर 19 पुरुष वर्ग में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इस कुश्ती प्रतियोगिता में उन्होंने शामिल होकर कांस्य पदक जीता है। कि सिर्फ अंकित बताते हैं कि उन्होंने 3 कुश्तियां लड़ी थी, पहली भोपाल, दूसरी ग्वालियर और तीसरी कुश्ती नर्मदापुरम से हुई। उन्होंने मात्र 6 महीने कुश्ती प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस की थी और इस 6 महीनों में जिले से राज्य तक का सफर पूरा किया है। अंकित का सपना है कि ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल ला कर दे। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता सहित अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर को दिया है। अंकित बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें खेलों में रुचि रही है, लेकिन सही मार्गदर्शन और संसाधन नहीं होने पर भी अपनी प्रतिभा को बाहर नहीं ला पाए। लेकिन मल्लेश्वर की एक्सीलेंट एकेडमी में जब एडमिशन लिया तो उनकी यह प्रतिमा स्कूल के स्पोर्ट्स ऑफिसर इकबाल खान ने देखी और स्कूल प्रबंधन की मदद से उन्हें हरियाणा कुश्ती सीखने के लिए भेजा। यहीं से कुश्ती सीखने के बाद उन्होंने जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल हुए। अंकित जाट कहाँ रहते हैं? कोगावा। कैसे, क्या जर्नी रही आपकी यहाँ तक पहुँचने की? सर, मेरा बचपन से बहुत शौक था कुश्ती में और पर मैं बचपन में अखाड़ा पर नहीं आ पाता था, इसलिए भी मैं इकलैंड अकेडमी में आया और इकबाल सर के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से सर ने मेरे को बताया कि तेरा अच्छा शरीर है, तो कुश्ती करना है तो तू हरियाणा जा। और फिर मैं हरियाणा गया और हरियाणा भिवानी में भीम स्टेडियम में मैंने 6 महीने कुश्ती सीखी और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ अपने कुश्ती में। और फिर मैं बड़वा में कुश्ती लड़ने गया और वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल आया। और फिर मेरा कुश्ती में सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं खंडवा गया, वहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल आया संभाग लेवल में। उसके बाद मेरा संभाग लेवल में गोल्ड आने के बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ राज्य स्तर पर, वहाँ पर मैं गया और मैंने कुश्ती लड़ी और फिर मैं वहाँ पर आया, ब्रॉन्ज मेडल आया मेरा। और वहाँ से बहुत सारे लड़के आए थे संभाग लड़ने, नर्मदापुरम का था, ग्वालियर और रीवा डिस्ट्रिक्ट, सबसे मैंने कुश्ती लड़ी और मेरा आया है मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। कैसा, क्या माहौल था घर परिवार में? सब बहुत खुश थे घर वाले, और खास तो स्कूल वाले भी बहुत खुश थे, सम्मान करा मेरा स्कूल में बुला के, और घर वाले भी बहुत खुश थे कि बच्चे ने पहली बार में 6 महीने मेडल लिया है राज्य स्तर पर। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कब हुई थी आपकी, कहाँ हुई थी? अगस्त में हुई थी खंडवा में, 22 अगस्त से 25 अगस्त तक। और मेरा कॉम्पिटिशन था नर्मदापुरम में लड़के के साथ था, उससे मैं जीत गया था। और फिर लड़का और था ग्वालियर का, उस साथ में जीत गया था, उज्जैन लड़का ने मेरे को हराया था और मेरा फिर ब्रॉन्ज आया मेडल। क्या मेरे पापा आर्मी में थे, दादाजी आर्मी में थे, और पापा का फुल सपोर्ट है मेरा कि जो भी करना है तेरे हिसाब से कर और कोई दिक्कत नहीं घर से भी, और सब सपोर्ट है घर से फुल कि आपको जहाँ जाना है वहाँ पे जाओ, कुश्ती करो, घर का नाम रोशन करो। तो यहाँ तक क्या है कि पंजाब तक का रास्ता हम लोगों ने इसको क्लियर करवाया, क्योंकि हम लोगों का एरिया में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है जो हम लोग टीवी वगैरह में जो हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। और बड़े स्थल पर यदि जाना है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं गाँव हमको छोड़ना पड़ा। क्या कुछ बाधाएं हैं? हाँ, बाधाएं तो आई क्योंकि तैयारी का समय कम मिला इसको, यदि ये पहले से तैयारी करते हैं तो निश्चित ही गोल्ड मेडल ही आता। हमारे विद्यालय के द्वारा अंकित जाट, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है, उसने लगातार मेहनत की और विद्यालय ने भी उसको पूर्ण रूप से तत्परता के साथ सपोर्ट किया है कि आप अगर अपनी प्रतिभा को राज्य स्तर तक ले जा रहे हैं तो हमारे यहाँ के जो क्रीड़ा अधिकारी हैं, स्पोर्ट शिक्षक, उनको भी हमने कहा कि इस बच्चे के लिए आप तत्परता के साथ जो भी प्रयास हो विद्यालय स्तर पर कीजिए। और निरंतर हमने उसको लगातार जानकारियां दी, उसके खेल को सर ने देखा कि किस तरह से इसमें सुधार आना चाहिए, वो सारी तैयारियां कराई और आगे भी वो नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती के लिए चयनित हुआ है। तो विद्यालय परिवार यही आशा करता है कि विद्यार्थी देश का नाम गौरवान्वित करे।
दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।